यूपी पुलिस की संपत्ति पर योगी की नजर। संपत्ति से पता चलेगा कौन कितना ईमानदार, किसकी खाकी पर है दाग और कौन है पाक साफ। आज वो आखिरी तारीख है जब उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी करके सभी पुलिस कर्मियों को आज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खाकी वर्दी वालों को देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा था कि पुलिस वालों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने का आदेश जारी किया था। प्रमुख सचिव की ओर से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए थे। राज्य कर्मियों को इसके लिए एक साल का मौका दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य कर्मी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। शासन की ओर से इस मामले में अब तक सख्ती की गई थी, जिसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया था कि 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज न करने वाले कर्मियों को अगस्त महीने का वेतन न देने का आदेश जारी किया गया था। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद भी ज्यादातर कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। रामपुर की बात करें तो जिले में करीब 15,000 राज्य कर्मचारी हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक करीब 14,000 से अधिक ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जिन्होंने पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। इसमें सबसे अधिक संख्या पुलिस कर्मियों व शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों की है। इस आदेश का पालन करते हुए कोषागार विभाग ने भी ऐसे वेतन बिलों को स्वीकार करना बंद कर दिया है जिन्होंने कर्मियों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके बाद से खलबली मच गई है। मुख्य कोषाधिकारी रंजीत कुमार के अनुसार संबंधित विभागों की तरफ से हर माह बिल भेजे जाते हैं, जिसके बाद कोषागार से उनका वेतन जारी किया जाता है। जिस विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है, उनका प्रमाण पत्र बिल के साथ जाएगा। जिन विभागों के कर्मियों ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिया है, उनका वेतन जारी होगा। आपको बता दें, प्रदेश में 8.34 लाख कर्मचारियों में से करीब 4.87 लाख कर्मियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर डिटेल दर्ज नहीं कराया है। मुख्य कोषाधिकारी रंजीत कुमार के अनुसार राज्य कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का आखिरी तारीख 31 अगस्त यानी आज है। 30 अगस्त तक जिलों के 17 विभागों के करीब 485 कर्मियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया था और प्रमाण पत्र भी दिए थे। शेष विभागों के कर्मियों ने अभी तक कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इस वजह से विभागों के वेतन के बिलों को नहीं लिया जा रहा है। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले विभागों में सबसे ज्यादा पुलिस और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी व शिक्षक हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 5,000 से ज्यादा शिक्षकों के साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं, जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, जिसकी वजह से डीजीपी दफ्तर से आदेश जारी करके आज के आज सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। देखिए, अगर इन पुलिस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी तो प्रमोशन पर इनके ब्रेक लग जाएगा और नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। देखिए, ये जो संपत्ति का ब्यौरा है, इससे ये भी साफ होगा कि कौन अधिकारी कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वेतन और अपनी इनकम के अनुसार ही संपत्ति अर्जित कर सकता है। ऐसे में उसने खुद से कितनी संपत्तियां ली हैं और कितनी उसकी पुश्तैनी संपत्ति है, उससे ये भी साफ हो पाएगा कि किसकी खाकी साफ है और किसकी खाकी पर दाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।